इम्तियाज़ अली के डायरेक्शन में बनने वाली फिल्म लव आजकल दो जल्द ही सिल्वर स्क्रीन पर रिलीज़ होने वाली है। सारा अली खान और कार्तिक आर्यन पिछले कुछ समय से फिल्म की शूटिंग में बिजी थे। शूटिंग के दौरान कार्तिक और सारा की कई तस्वीरें वायरल हुई। सभी फ़ोटो में दोनों की दोस्ती और बॉन्डिंग साफ दिखाई दी, लेकिन अब फिल्म की शूटिंग ख़त्म हो चुकी है। फिल्म की शूटिंग पूरी होने पर कार्तिक और सारा दोनों ही उदास नज़र आ रहे हैं। कार्तिक आर्यन ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर सारा के लिए एक इमोशनल पोस्ट लिखा है। कार्तिक ने अपने पोस्ट में लिखा, जब वीरा कहती है पर ये रास्ता, ये बहुत अच्छा है, मैं चाहता हूँ कि ये रास्ता कभी ख़त्म ना हो। मुझे इम्तियाज़ अली के साथ शूट करने पर ऐसा ही महसूस हुआ। कार्तिक ने आगे लिखा, 66 दिन भी कम लगे, शूटिंग पूरी हो चुकी है, एक ऐसी फिल्म जिसे मैं चाहता था कि वो कभी ख़त्म ना हो। मेरी ड्रीम डायरेक्टर को शुक्रिया। इस पूरी जर्नी में प्रिंसेस सारा अली खान से अच्छा कोई साथी नहीं हो सकता था। मैं तुम्हारे साथ बार बार काम करना चाहता हूँ। आपको बता दें कि कार्तिक आर्यन से पहले सारा अली खान ने भी सोशल मीडिया के ज़रिए कुछ तस्वीरें शेयर करते हुए को स्टार कार्तिक आर्यन के लिए एक इमोशनल नोट लिखा था। उन्होंने कार्तिक के बारे में लिखा, आपके साथ काम करते वक्त मुझे कंफर्टेबल फील कराने के लिए आपका शुक्रिया। सारा ने आगे लिखा, मुझे इतना कुछ देने और लगातार मेरा ख्याल रखने के लिए भी शुक्रिया। आपके साथ कॉफ़ी से लेकर चाय पीने तक, मैं उम्मीद करती हूँ कि ये सब हम लोग फिर से कर पाएंगे। मैं आपको इतना ज़्यादा मिस करने वाली हूँ जितना आप सोच भी नहीं सकते। फिल्म की बात करें तो ऐसा माना जा रहा है कि ये फिल्म लव आजकल की सीक्वल है। फिल्म में रणदीप हुड्डा भी एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करते नज़र आएंगे। आपको बता दें कि 2018 में सारा अली खान ने अपने बॉलीवुड करियर की शुरुआत की। वे सुशांत सिंह राजपूत के अपोजिट फिल्म केदारनाथ में नज़र आई। साल 2018 के अंत में ही उनकी फिल्म सिम्बा रिलीज़ हुई। फिल्म में वे रणवीर सिंह के अपोजिट नज़र आई। कमाई के मामले में इस फिल्म में कई सारे रिकॉर्ड अपने नाम किए। वहीं दूसरी ओर कार्तिक आर्यन लव आजकल 2 के बाद पति पत्नी और वो के रीमेक में दिखाई देंगे। इस फिल्म में कार्तिक के साथ अनन्या पांडे के साथ नजर आएंगे। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थप्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।